जिले में 3 दिन तक चलने वाली माता मनसा पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। मंगलवार को नम आंखों से भक्तों ने मां विसर्जी को विदा किया। 3 दिवसीय बिहुला विसर्जी पूजा कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। सोमवार को विवाह हुआ। रमेश चौक से दलिया बिहुला विसर्जी मंदिर पहुंचा। आस्था उत्साह के साथ लोगों ने बारातियों का स्वागत किया। वहीं गुप्ता परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य नागेश्वर दास ने बताया कि यह मंदिर 60 साल पुराना है। इस मंदिर के भक्त कृष्णदेव कुमार गुप्ता ने बताया कि यह मंदिर सबसे शक्तिशाली है। इस मंदिर में पूजा कर सच्चे दिल से जो मन्नत मांगता है उसकी मुरादें पूरी करता है। मंदिर में कीर्तन भजन का कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही कृष्ण कुमार भगत ने बताया, जब वह 10 वर्ष के थे तभी से इस मंदिर का भक्तों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आज तक यह परंपरा निभा रहे हैं। वहीं बाजार से सज धज कर बारात दलिया बिसरी मंदिर पहुंचा। वहीं बारात के स्वागत में लगे पूरे परिवार ने बारात को ठंडा पानी, चाय, नाश्ता, शरबत, उसके बाद भोजन की पूर्ण व्यवस्था की। वहीं कृष्ण कुमार भगत ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज से इस मंदिर में बिहुला और लखंदर का विवाह कराया जाता है। इस मौके पर गुड्डू कुमार दास, शंकर दास, संजय दास, जोगिंदर दास, दिलीप दास, बबलू गुप्ता, सोनू गुप्ता, रोशन गुप्ता, संजीव गुप्ता, चंदन गुप्ता, बम बम कुमार उपस्थित रहते हैं। बता दें, मंदिर के आगे ब्लू कलर के बल्ब से गेट बनाया जाता है और पूरे गली को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अंग क्षेत्र के चर्चित लोक पर्व बिहुला विसर्जी पर्व के अंतिम दिन मंगलवार को रिजौन प्रखंड क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ कतरिया नदी में मंजूषा का विसर्जन कर दिया गया। इसके साथ ही 2 दिवसीय बिहुला विसर्जी पर्व धूमधाम के साथ मंगलवार को संपन्न हो गया। अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। इस अवसर पर कतरिया नदी और इसके आसपास में मेले और उत्सव का माहौल बना रहा। रास्ते में भी इस मनोहारी दृश्य की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। इस बीच भक्तगण बिहुला विसर्जी गीत के साथ नाचते गाते सड़क पर विसर्जन के लिए कतरिया नदी जा रहे थे। इस अवसर पर कतरिया नदी के समीप सड़क के दोनों तरफ भव्य मेला लगा रहा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कोरोना पर भक्तों की श्रद्धा भारी पड़ी। इस दौरान प्रखंड स्थित रजौन, नवटोलिया, धोनी, भूजलचक, पिपराडी, खैरा, जगन्नाथपुर व अन्य कई गाँव के भक्तजन विसर्जन के लिए कतरिया नदी आए हुए थे। क्षेत्र में बने हुए कंटेनमेंट जोन का मंगलवार के दिन बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जोन में रह रहे लोगों का हालचाल लेते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की। वहीं कंटेनमेंट जोन में खुली दुकानों को बंद कराते हुए सभी दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। बाजारों में बिना मास्क लगाए निकले आम लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए मास्क पहनने का सख्त निर्देश दिया। इस अवसर पर मौजूद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता एवं बीडीओ राकेश कुमार को कंटेनमेंट जोन में टूटे हुए बांस बल्ले को ठीक लगवाने का निर्देश दिया। मौके पर इन्होंने अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण से दुकानदारों एवं आम लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा।
बांका के फुल्ली डूमर में मंगलवार को नए अंचलाधिकारी के रूप में अखिलेश प्रसाद सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया, जबकि पूर्व अंचलाधिकारी सतीश कुमार को विदाई दी गई। मौके पर अंचल कर्मियों ने पूर्व सीओ को उपहार भी दिए। पूर्व सीओ ने फुल्ली डूमर कार्यालय को यादगार बताया, कहा कि यहाँ के वासी काफी अच्छे हैं, जरूरत है समझाने की। उन्होंने नए अंचलाधिकारी को इशारे में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। नए अंचलाधिकारी ने कहा कि अंचलवासियों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी एवं सभी जनों के सहयोग से आगे बढ़ना उनकी कार्य संस्कृति है। मौके पर पूर्व नाजिर कल्याण सिंह, सीआई संजय सिंह, अंचल प्रधान सहायक आशीष कुमार, वर्तमान नाजिर मुनिलाल दास, चुन्नीलाल, पंकज सिंह, सुभाष यादव, प्रमोद कुमार, पप्पू एवं अन्य उपस्थित थे। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के किसान सलाहकारों ने अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर कार्यालय परिसर में कार्य का बहिष्कार किया। बताते चले, पूर्व में किसान सलाहकार संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में किसान सलाहकारों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सतीश चंद्रा को देते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील की थी। आवेदन में किसान सलाहकारों ने कहा कि बिहार राज्य किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा पटना के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में जो अभी आवेदन दिया गया था, इसके समर्थन में बांका जिला अंतर्गत अमरपुर प्रखंड के सभी किसान सलाहकार दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर कृषि विभाग के राज्यादेश ज्ञापांक संख्या 1304 दिनांक 8/3/2020 के अनुरूप अपने पंचायत कृषि कार्यालय कार्य क्षेत्र में सिर्फ प्रचार प्रसार करेंगे। एआईपी कार्य तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाएगा। सलाहकारों ने बताया कि तय अवधि तक हम सभी सलाहकारों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी 20 अगस्त को मजबूरन आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही विभाग की होगी। इस अवसर पर मुरारी शर्मा, मिथिलेश पंजियाला, नवनीत कुमार, आलोक सिंह समेत क्षेत्र के सभी किसान सलाहकार मौजूद थे। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ संयुक्त मोर्चा पटना के आह्वान पर 16/8 से 20/8/2020 तक कोई भी तकनीकी कार्य किसान सलाहकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ राज्यादेश संख्या 1304 दिनांक 8/3/2010 के आलोक में किसानों के बीच प्रचार प्रसार का कार्य काली पट्टी लगाकर किया जा रहा है। विभाग द्वारा हम सभी काम तकनीकी एवं गैर तकनीकी करते हैं, फिर भी हम लोगों को किसान के विभाग के द्वारा जो है प्रगतिशील किसान कर हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जबकि हम लोग सरकार के हर एक काम को करते आ रहे हैं। यदि हमारी मांगों पर 20/8/2020 तक नहीं विचार की जाती है तो हम लोग 20/8/2020 के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी मांगों के समर्थन पे चले जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही विभाग एवं सरकार की हो। बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो आह्वान किया गया है, हम लोग सरकार के द्वारा जो हमारे हम लोगों के साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, उसके आलोक में हम लोग काली पट्टी बांध कर 16/20 तक सरकार के तकनीकी कार्य को नहीं करेंगे एवं राज्यादेश 1304 दिनांक 8/3/2010 के आलोक में हम लोग कार्य करेंगे। ऐप आधारित कोई भी तकनीकी कार्य हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि 20 तक हमारी मांगों को सरकार गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करती है तो हम लोग 20 के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।